हाँ जी चलते हैं, चलो ऑफिस के लिए हम जा रहे हैं। और नासिर कैसा फील कर रहे हो? सवेरे सवेरे मंडे मॉर्निंग जो होती है ना वो बंदे की बड़ी अजीब होती है, क्योंकि संडे को जरा होता है। यस वी आर गोइंग टू ऑफिस। यस मैं टाउन की तरफ जा रहे हैं, अभी लिफ्ट चलेगी, चल नहीं रही, भागेगी है हमारी छोटी सी लिफ्ट ही है। इतनी बड़ी लिफ्ट नहीं है, तो चार बंदे आते हैं इसमें, फैमिली बिल्डिंग है ना। ओ लुक बाहर की जाने पर यहाँ पे पैलेस भी करवा सकते हैं अपने कंट्रीज में भी और यहाँ पे भी। ओ वेरी गुड मंडे मॉर्निंग, ये अलनाथा के एरिया, और इस वक्त हमें मौत पड़ रही है जाते हुए ऑफिस में, क्योंकि मंडे मॉर्निंग हमेशा ऐसे ही होता है, बंदे संडे गुजार के आ रहा होता है, बंदे को बड़ी मुश्किल हो रही होती है। हाँ और ये दुबई में पेड पार्किंग, आपको यहाँ पेड पार्किंग ही मिलेगी जब भी मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिल सकती। वैसे रिहाइश के लिए जो अलनादा एरिया है ना सिर्फ, क्या कहते हो अलनादा एरिया कैसा है रिहाइश के लिए, तुम्हें क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि अलनादा एरिया सही है रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं और फैमिलीज बहुत ज़्यादा रहती हैं। हाँ ये है। और थोड़ा मेरे ख्याल में जो दुबई का वो जो डाउन टाउन या वो वाला एरिया, उससे रीज़नेबल है प्राइस में यहाँ पे, और साफ़ सुथरा भी है बहुत, मतलब कि यहाँ पे ऐसे खुला माहौल है, मतलब कंजस्टेड बिल्डिंग नहीं है, ऐसे नहीं है, बिल्डिंग्स भी अच्छी हैं और इंडस्ट्री भी नहीं है यहाँ पे। हाँ इंडस्ट्री नहीं है सबसे बड़ी बात, और पूरी फूड स्ट्रीट है यहाँ पे, मीन्स कि यहाँ पे आपको हर किस्म का खाना मिलेगा, इंडियन पाकिस्तानी एवरीथिंग। और वो सामने हमारा ऑफिस है, अभी हम उसी तरफ रवा दवा हैं, और इस वक्त हम रोड क्रॉस कर रहे हैं। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और मस्जिद के साथ से होते हुए अभी ऐसा होगा कि अभी हम सीधा जाएंगे नाश्ता लेने के लिए, दिल कर रहा है कि पहले नाश्ता लेके सीधा ऑफिस में जाएंगे, वहीं पे नाश्ता करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम 5-10 मिनट लेट हो चुके हैं। तो और ये पूरा एरिया देखें तो बहुत ज़बरदस्त है, ये एंड ये एक जो बिल्डिंग है ये बैचलर्स बिल्डिंग है मोस्टली, वरना तो सारी ऑलमोस्ट हैं वो फैमिली बिल्डिंग्स हैं, लेकिन बैचलर्स भी रहते हैं। तो अभी हम नाश्ते की तरफ जा रहे हैं, और इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट मैं यहाँ मैंने वैसे मैस लगवाया हुआ है, तो उसकी जान पहुँचने वाला हूँ। ये पूरी फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे आपको लॉन्ड्री भी मिलेगी और बकाला भी है, मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ, पहले भाई साहब से मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारे एक भाई साहब, कैसे हैं? ये हमारे दानियाल भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। यस इनका बकाला, ये कराची से हैं, और ये आप कितने साल से यहाँ पे हैं? 10 साल से हैं दानियाल भाई यहाँ पे, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है, और बड़े फ्रेंडली हैं, बहुत ही अच्छे हैं। जब भी कभी आइए अलनादा में, तो बकाला का नेम ग्रोसरी और बोरी बिल्डिंग के नीचे है ये, और बहरहाल इसमें आपको हर किस्म की जरूरत अशिया मिलेगी। ओके थैंक यू दानियाल भाई। सॉरी मैंने देखा नहीं। हेलो कैसे हैं? हाँ जी आप कैसे हैं? कैसा चल रहा है सब काम शाम, कैसा चल रहा है? जबरदस्त। ओहो कैसा चल रहा है दुबई में, और यहाँ पे काम करके कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। लगता है पाकिस्तान और इसमें फर्क लगता है कि यार नहीं? फर्क तो है, पाकिस्तान बट फील बेटर है, बंदे अच्छे हैं ना सारे। ओके ऑल द बेस्ट। यस ओ नो 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 यार कैसी बात कर रहे हो।
हाँ देखा, ये फ्रेंडली माहौल है यहाँ पे, पाकिस्तानी आपको लगता ही नहीं है इस तरह कि आप यहाँ पे किसी फॉरेन जगह पे आए हुए हैं। अब इस वक्त मैं मैस लेने जा रहा हूँ, ये हुसैन भाई हैं, ये हुसैन भाई इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं इसलिए मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करने वाला। अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई, दो पराठे, एक ऑमलेट, प्याज वाला पार्सल कर दीजिए। इस वक्त मैं नाश्ता ले रहा हूँ और ये मेरे मेस लगे हुए हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर ऑफिस की जाने में निकलते हैं। सो दोस्तों, नाश्ता ले लिया, सॉरी वो वीडियो बना नहीं सका उसकी क्योंकि एक लोकल्स आ गए थे तो उनसे थोड़ी गपशप हो गई, तो उनका वीडियो मत बनाएं, तो फिर प्राइवेसी है दुबई, यू नो दुबई में प्राइवेसी बहुत ज़्यादा होती है। सो इस वक्त मैं ऑफिस तरफ जाने हूँ और नासिर रेडी जो है वो चला गया था, मैंने कहा था मैं नाश्ता लेके आ जाता हूँ, तो मैं बिल्डिंग की बैक साइड से जाऊँगा, फ्रंट साइड से नहीं। सो हियर गोज इज द प्लैटिनियम बिजनेस सेंटर। यस, अगेन वही बात बन गई कि सर की कॉल आ गई थी और मैं बिल्डिंग की एंट्री में नहीं जा सकता क्योंकि आई एम ऑलरेडी लेट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द लिफ्ट और ना दैट्स आवर माय टर्न। या आई हैव अ गो, इट्स नंबर 8। Oh, at last we reached. Hello. Good morning, office. So, मैं अपने ऑफिस आ चुका हूँ इस वक्त और हेलो हेलो नासिर, कैसे हो? या अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। So,